नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आइए ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने किसी भी क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी भी पेलेटर सर्विस से या पेटीएम पोस्टपेड से कोई भी क्रेडिट लिमिट ले रखी है और आप लोगों को वहाँ पर क्रेडिट इंक्रीज़ का ऑफ़र मिलता है, तो आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ होने के साथ ही आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ जाएगा। आपका सिबिल स्कोर जो है ग्रो हो जाएगा बहुत जल्दी, और आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर जो है बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के ऑफ़र मिल जाएंगे, लोन के ऑफ़र मिल जाएंगे। सिर्फ एक क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करवाने से आपको ये सारे बेनिफिट जो हैं वो मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करवाने से ये सारे बेनिफिट्स हमें कैसे मिल जाएंगे, आप लोगों को कैसे मिल जाएंगे, कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? जी नहीं दोस्तों, पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से कि कैसे सिर्फ एक क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करवाने से सब कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा होने वाला है। कैसे होने वाला है उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों बता दो, अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करवाने से आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे हो सकता है, इस चीज़ को दोस्तों हम लोग जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कोई भी पेलेटर सर्विस है, सिर्फ मान लीजिए, और उसमें आप लोगों को 1,00,000 रुपये क्रेडिट लिमिट मिली है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए 1,00,000 बोल रहा हूँ। आपको लिमिट कम भी मिल सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये क्रेडिट लिमिट है और आप लोग हर महीने अपने क्रेडिट लिमिट का, जो भी क्रेडिट लिमिट मिली है, उसका 40 से 50% इस्तेमाल करते हैं। लाइक 10,000 की क्रेडिट लिमिट मिली है तो हर महीने 4 से 5,000 रुपये इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो 1,00,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट में आप लोग हर महीने 40 से 50% अपनी क्रेडिट लिमिट को इस्तेमाल करते हैं, तो सो रिकमेंडेड होता है कि आप लोग अपने क्रेडिट लिमिट को 30% इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का सिबिल स्कोर जो है बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अब कई बार क्या होता है, क्रेडिट लिमिट इतनी कम होती है कि कई बार उसको 100% इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर उसको 40 से 50% इस्तेमाल कर लेते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आप एक रिस्की कस्टमर बन जाते हैं, आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है और आपको कोई भी लिमिट इंक्रीज का ऑफ़र नहीं मिलता है और आप लोगों को कोई भी लोन ऑफ़र या नया क्रेडिट कार्ड या नई प्लेटर ऐप में क्रेडिट लिमिट नहीं मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों, जब भी आप लोगों को क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करवाने का ऑफ़र मिलता है या फिर चांसेस मिलते हैं कि आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ हो रही है, तो आप लोग अपनी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ ज़रूर करवाइए। क्यों करवाइए? मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1,00,000 रुपये क्रेडिट लिमिट है और आप उसको हर महीने 50,000 रुपये इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपने क्रेडिट लिमिट को 50% तक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों की क्रेडिट लिमिट 2,00,000 रुपये हो जाती है, तो 2,00,000 रुपये का 30% कितना होगा? 2,00,000 रुपये का 30% हो जाएगा 60,000 रुपये। आप इस्तेमाल कितना करेंगे? क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो तो उतने रहेंगे, चाहे 1,00,000 की क्रेडिट लिमिट हो, तब भी दोस्तों आप लोग 50,000 रुपये इस्तेमाल कर रहे थे। अब 2,00,000 रुपये आपकी क्रेडिट लिमिट हो जाएगी तो भी आप लोग 50% इस्तेमाल करेंगे, 50,000 रुपये इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का जो 30% का दोस्तों जो क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो वो 60,000 तक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप इस्तेमाल कितना कर रहे हो? 50,000 रुपये। तो आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो जाएगा वो 30% से भी कम हो जाएगा, यानी कि आप लोग पहले 50,000 रुपये 1,00,000 के लिमिट इस्तेमाल कर रहे थे तो 50% इस्तेमाल कर रहे थे, 2,00,000 में 50,000 इस्तेमाल करोगे तो 30% से भी दोस्तों नीचे आप लोगों का क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इससे आप एक गुड कस्टमर के अंदर आ जाएंगे, आपकी प्रोफाइल जो है रिस्की कस्टमर से हटकर एक दोस्तों अच्छे कस्टमर के रूप में आ जाएगी। आपकी हाई चांसेस है कि दोबारा आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी जाए, दोबारा दोस्तों आपको और भी क्रेडिट लिमिट के कहीं भी क्रेडिट कार्ड की ऑफ़र मिल जाए, लोन की ऑफ़र मिल जाए। तो इससे दोस्तों क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर भी बूस्ट हो जाएगा, सिबिल स्कोर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करवाने का जब भी मौका मिले, आप लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ना है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करवाने का, क्योंकि उससे आप लोगों की यूसेज जो है, अपने यूसेज आप लोग बढ़ा सकते हैं। 10,000 की क्रेडिट लिमिट है, पहले आप लोग 5,000 रुपये इस्तेमाल कर रहे थे, रिस्की कस्टमर थे। अब 20,000 रुपये अगर आपकी लिमिट हो गई तो आप लोग 20,000 के अंदर आप लोग 6,000 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले 5 कर रहे थे अब 6 कर सकते हो, तब भी आप लोग रिस्की कस्टमर के रूप में नहीं आओगे। तो क्रेडिट लिमिट आप लोगों ने ज़रूर दोस्तों इंक्रीज़ करवानी है, क्योंकि क्रेडिट लिमिट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिससे आप लोगों को नुकसान ही नहीं, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं।
बाकी दोस्तों आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी वीडियो के अंदर मेरे से फंबल हो गया, कहीं कहीं मैं जल्दी बोलने के चक्कर में दोस्तों ओवर अपने वर्ड्स जो है बोल जाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्रेडिट लिमिटिंग किस करवाने के कितने सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगी हमारे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।